सबसे ज्यादा तारीफ स्त्रियों की होती है, क्यों कर रहे हो तारीफ? और लोग अपनी बीवी की नहीं करते जल्दी, वो बेचारी 3 घंटा मर के तैयार हुई, अब लोग गीता पढ़ रहे हैं क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे। तो जो काम भगवान नहीं कर सकता वो तुम क्यों कर रहे हो? सबसे ज्यादा तारीफ स्त्रियों की होती है, नहीं होती? होती है, क्यों कर रहे हो तारीफ? जो तुम्हारी तारीफ कर रहा है वो तुमको यूज करना चाहता है, जो भी तुम्हारी तारीफ कर रहा है वो तुमको वो तुम्हें यूज करना चाहता है। और लोग अपनी बीवी की नहीं करते जल्दी, वो बेचारी 3 घंटा मर के तैयार हुई, पहले उसकी करो, उससे तो तुम झगड़ा कर रहे हो। टाइम बीता जा रहा हो, दिमाग खराब हो तुम्हारा, बैठे रहो देखते रहो उसे 5 मिनट से, तो पूछेगी क्या हुआ? ऐसे लग रहा है जैसे अप्सरा उतर रही इधर। इसी को पंडित रविशंकर कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। और जब तुम पार्टी में पहुंचे तो आप, हो सकता है दुबे जी की वाइफ और ज्यादा सुंदर लग रही हो, कह दो देख रहे हो चुड़ैल जैसी लग रही है, उनसे धीरे से जाके कह दो कि कयामत ढारी भाभी जी बहुत बढ़िया। लेकिन यह बात तुम अपनी वाइफ से नहीं कह सकते, वो तुरंत बोलेगी जा धस जा वहीं पे। इसी को पंडित रविशंकर कहते हैं तुम कुछ और ही समझ लिए भाई। तुम गीता क्यों पढ़ना चाहते हो? क्योंकि तुम्हें किसी भी किताब को उठाने से पहले जो तुम्हें स्पष्ट करना है वो ये है कि इस किताब से मैं क्या सीखूंगा। Whenever you pick up a book, the first thing you have to find out कि once I will complete this book, what I am going to learn from it. अगर ये चीज तुम्हारा स्पष्ट है तो तुम्हारा किताब पढ़ने का फायदा होगा। अब लोग गीता पढ़ रहे हैं क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे, गीता पढ़ोगे समझोगे कि एक एक लाइन हजार हजार करोड़ रुपए की है। जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उनका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर, इंद्रियों से कहां चैतन्य पर। सारी धार्मिक किताबों का उद्देश्य यही है। तो उसमें सूत्र दिए हुए हैं, उसमें फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है कि तुम जीवन में किसी को समझा ना पाओगे, बस खुद समझो और खुद समझकर उदाहरण बनो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, इस दुनिया के लिए, तब लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। कुछ लोग दूसरे को समझाने में परेशान, सर हमारा छोटा वाला भाई नहीं पढ़ रहा है, जाने दो। तुम अगर परेशानियों की वजह देखो समाज में, आप अपने आसपास या अपनी ही देखो, तो कोई तुम्हारी ही वजह होगी। तुम उदाहरण बनो कि तुम्हारे घर में लोग तुमको फॉलो करें। समझा क्यों रहे हो? कृष्ण किसी को समझा रहे हैं? नहीं, शक्ति है, गोवर्धन पर्वत उठा लिया उंगली पे, सब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, और क्या हाल है दुबे? बढ़िया भैया। तुम क्यों समझ? एक बार वो दुर्योधन को समझाने गए, गए वो भी समझाने, कहे कोशिश कर लेता हूं, बोले 5 गांव दे दो, कहा 5 इंच जमीन नहीं देंगे, तो मुस्कुरा दी कि ठोके तो हम तुम्हें वैसे भी, मारना तो हमें तुमको वैसे भी था, फिर उन्होंने कहा उड़ा दे, ये ना मानेगा समझाने से। तो जो काम भगवान नहीं कर सकता वो तुम क्यों कर रहे हो?
अच्छे मत बनो, उदाहरण बनो, उदाहरण। 95% लोग अच्छे बनने की वजह से परेशान हैं। अच्छे मत बनो, उदाहरण बनो। ये कहां लिखा हुआ है? गीता में। तुम अच्छे बनने के लिए परेशान, हमारे घर वाले हमारी तारीफ नहीं करते, किसी की नहीं करते,